हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें एक ट्रेडिंग मेंटोर कैसे ढूंढना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें एक अफेक्टिव ट्रेडिंग मेंटोर मिले, जिससे एक हमें अफेक्टिव ट्रेडिंग कोच मिले और वो हमारी ट्रेडिंग को सुधारे या हमारी मदद करे ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन बनाने में, हमें सक्सेसफुल बनाए एक ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाने में। तो इसके लिए उस ट्रेडिंग मेंटोर में या ट्रेडिंग कोच में कुछ खासियत, कुछ खूबियां और कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और हमें क्या चीज देखना चाहिए जब भी हम एक ट्रेडिंग मेंटोर ढूंढते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम भरत झुंझुनवाला है और मैंने अपनी ट्रेडिंग एंड्रू कार्डवेल से सीखी है। ठीक है, तो मैंने एंड्रू कार्डवेल को सिलेक्ट किया अपने अपने आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए और मेरे को ट्रेडिंग सिखाने के लिए। और एंड्रू कार्डवेल में मैंने वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स और वो सब खूबियां पाई जो मैं ढूंढ रहा था जो मुझे ट्रेडिंग सिखाई। एंड्रू कार्डवेल के पहले मैंने इंडिया में कई ट्रेडरों से ट्रेडिंग सीखे हैं, कई ट्रेडरों के पास गया। ट्रेडर उनको बोलना गलत है, बल्कि कई प्रोफेशनल कोचेस के पास गया जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं हैं, बल्कि प्रोफेशनल कोच हैं। वो सिर्फ एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक माहौल बनाते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि वो ट्रेडर है या ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ना वो ट्रेडर है ना वो ट्रेडिंग करते हैं। उनका काम है सिर्फ आपको एक सिस्टम बेचना या आपको अपना ट्रेडिंग कोर्स बेचना। वो वैसा आदमी या वैसी औरत आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं सिखा पाएगी। तो इसीलिए इंडिया में मैं कई जगह घुमा, मैं मुंबई गया, कलकत्ता में सीखा, बैंगलोर भी गया और खासकर महंगे महंगे कोर्सेस भी किए। कई कोर्सेस 7 लाख के थे, कई 8 लाख के थे, कई 10 लाख के भी कोर्सेस थे जो मैंने की। और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ इतने पैसे लगाने के बाद कि इन लोगों ने मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाया है और कुछ नहीं। और मेरे जैसे कई लोगों को ये हर साल ट्रेन करते हैं, हर साल इनको ट्रेनिंग देते हैं और हर साल इनके पैसे जो है बर्बाद करते हैं, इन्हें बेवकूफ बनाते हैं। तो याद रखिए, हमेशा ऐसा कोच ढूंढिए जिसमें आपको अपनी झलक दिखे, ठीक है, कि आपके लिए वो अच्छा हो। तो मैंने एंड्रू कैडवेल से मेंटरिंग की है, 1-to-1 मेंटरिंग की है उनके साथ। मैंने बहुत टाइम बिताया है ट्रेडिंग सीखने के लिए। मैंने स्टीव नीसन और मार्क डगलस से भी सीखी है ट्रेडिंग और मुझे कम से कम 10 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। मैं इंडियन और यूएस ब्राउजर्स पे ट्रेडिंग करता हूं और हम रिसर्च प्रोवाइडर हैं। हम लोग ट्रेडिंग की रिसर्च प्रोवाइड करते हैं हम, और हमारा जो फोकस है वो स्मॉल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स है। हम बड़े HNIs के साथ काम नहीं करते, हम बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के साथ काम नहीं करते, हम स्मॉल और रिटेल ट्रेडर्स के साथ काम करते हैं जो अक्सर स्टॉक मार्केट में पिछड़ते हैं या स्टॉक मार्केट में सही एनालिसिस, सही रिसर्च या सही दिशा या डायरेक्शन के वजह से ट्रेड नहीं कर पाते या गलत ट्रेड करते हैं। तो हमारा काम है स्टॉक स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स के साथ वर्क करना और हमारे पूरे भारत में 7,000 से बेसी क्लाइंट्स हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा एक वेब मेट्रिक ऐप है जिसमें हम रिसर्च प्रोवाइड करते हैं स्टॉक्स पे, फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे, कमोडिटी पे, फॉरेक्स पे। और सिर्फ यह नहीं, उसमें हम आपको पूरी डिटेल देते हैं एंट्री की, एग्जिट की और कहां पर आपको निकलना है, कहां पर आपको घुसना है, कहां पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। हम उसमें चार्ट भी अपलोड करते हैं, हमारा पास्ट परफॉर्मेंस पूरा उसमें है। आप चाहे तो उसमें जाके हमारा पूरा पास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट एक महीने की पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हाँ, उसमें नॉलेज बेस भी है जहां पर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड करिए और इसका फायदा उठाइए। ये बहुत ही इंटरैक्टिव ऐप है जिससे आपकी ट्रेडिंग जरूर सुधरेगी। तो सबसे पहले आइए आप मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं ये सवाल जो सबके मन पे है कि कैन आई बी ए फुल टाइम ट्रेडर, क्या आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहले ये सवाल आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ट्रेडिंग पहले क्या है? ट्रेडिंग एक अलग पूरा प्रोफेशन है, ठीक है। उसके लिए जैसे और प्रोफेशन होते हैं, वकालत होती है, डॉक्टरी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है,
उनके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। 4 साल, 5 साल, 6 साल हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। तो 4 साल के बाद जब पढ़ाई खत्म होती है हमारे अकाउंटेंसी कोर्स की, या हमारी वकालत कोर्स की, या हमारी डॉक्टरी की, या हमारी इंजीनियरिंग की, उसके बाद हम फील्ड में जाके एक्सपीरियंस लेते हैं, कोई एग्जिस्टिंग डॉक्टर से के साथ काम करते हैं, या लॉ फर्म में ज्वाइन करते हैं, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में ज्वाइन करते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो पहले 4-5 साल की पढ़ाई होती है, फिर 4-5 साल की एक्सपीरियंस होती है, और उसके बाद जाके हम धीरे 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 एस्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन का कोर्स करके, या एक हफ्ते का कोर्स करके, या एक वीकेंड का कोर्स करके आप ट्रेडर बन जाओगे। नहीं, एक हफ्ते में, या एक दिन में, या एक एक महीने में कोई भी ट्रेडर आपको ज्ञान जरूर दे सकता है, लेकिन आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ट्रेडर के साथ, आपके कोच के साथ रहना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है। मैं एंड्रू कार्डवेल की जो डीवीडीज थी कोर्सेज की, मैंने उन्हें खरीदा था 2008 और 2009 में। उसके बाद मैं उनके साथ 7 से 8 साल लगातार कनेक्शन में रहा, उनके प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप में उनके साथ काम किया, और उनके साथ सीखा, उनके साथ बैठा। वो सेशन देते थे हर एक हफ्ता, जिसमें मैं उनसे 1-to-1 इंटरेक्ट करता था। तो 6-7 साल के बाद मेरे को ट्रेडिंग करना आने लगा। ठीक है, और वहां वही उसी जगह इंडिया में, जहां पर लोग 7-7, 8-8 लाख रुपए आपसे लेते हैं, बोलते हैं कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, और यही नहीं, वो ये भी बोलते हैं कि ट्रेडिंग के दौरान ही मैं आपके पूरे इन्वेस्टमेंट वापस कर दूंगा। ये कुछ नहीं है सर, ये आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे झांसे में ना फंसे। तो पहले, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आप इतना टाइम, इतना वक्त दे सकते हैं ट्रेडिंग को, क्या आप फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए तैयार है। आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग, पढ़ाई कैसे होता है? पढ़ाई होता है आपको ट्रेडिंग कोर्स कर रहे हैं, आपने एक टूल को चुना, आपने एक एनालिसिस को चुना, आपने एक ट्रेडिंग सिस्टम को चुना, और वो चुनने के बाद आप उस पर पढ़ाई करते हैं, उस पर सीखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तो उसको सीखने के बाद, ये जो सीखने का ब्रैकेट है, ये कम से कम 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग सकता है एक टूल के पीछे। और जब वाइड रेंज ऑफ टूल्स हो, जैसे आप, जैसे हम वेब मेट्रिक में अपनी मैक्सिमम स्ट्रेटजीज, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो, हम RSI पे बेस करते हैं। तो अगर हमें वॉलेटिलिटी सीखना है तो हम RSI पे बेस करके सीखते हैं, अगर हमें मोमेंटम सीखना है तो हम RSI पे बेस करके सीखते हैं। तो बेसिकली हम लोग ट्रेड करते हैं वॉलेटिलिटी पे और मोमेंटम पे, क्योंकि हम लोग मोमेंटम और वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स हैं। तो मैं हम लोग RSI को अपने मेन टूल बना के रखे हैं और उसी पे बेसिक ध्यान देते हैं। तो जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उस पे आपको बेसिक टाइम निकालना पड़ता है, और बाकी इधर उधर प्राइस एक्शन के लिए कैंडल स्टिक या बॉलिंजर बैंड या ATR जो भी है, उसमें थोड़ा 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 टाइम निकालना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर की डिग्री होती है कि आपको MBBS पढ़ना पड़ता है, तो आप MBBS में पूरी चीज पढ़ते हैं, फिर आप स्पेशलाइजेशन के बाद में हार्ट सर्जन बनते हैं या ब्रेन सर्जन बनते हैं, जो भी बनते हैं। तो उसी टाइप से ट्रेडिंग भी है। तो कम से कम इसमें आपको साल, 2 साल, 3 साल देने पड़ते हैं, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेनी पड़ती है, पेपर ट्रेडिंग करना पड़ता है, अपने कोच के साथ डिसाइड करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है कि सर ये एक्शन क्या है, ये क्या है, किधर में एंट्री होनी चाहिए, किधर में एग्जिट होनी चाहिए। तो ये सब आपको डिस्कस करना पड़ता है, इसमें भी कई बहुत समय लगता है। रोज कम से कम 4 से 5 घंटे, 6 घंटे आपको चार्ट्स के पीछे बिताने पड़ते हैं, मार्केट आवर्स में बैठने पड़ते हैं, और उसके बाद कोई 4-5 साल की मेहनत के बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बनने के लायक हो जाते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है ट्रेडिंग सीखना, इतनी बात याद रखिएगा। अगर आपको कोई बताता है कि मैं आपको 1.5 साल में, 2 साल में ट्रेडर बना दूंगा, या आपको अपने प्रीवियस स्टूडेंट से बात करवाता है कि भाई इससे बात करो, इसने 1.5 साल में ट्रेडिंग सीख ली, इसमें 1.5 साल में ट्रेडिंग सीखते सीखते ने पूरे पैसे भी निकाल लिए, तो वो सिर्फ आपको झूठ बोल रहा है, आपको झांसे में डाल रहा है। तो ऐसे आदमियों के पास मत जाइए, और ये डिसाइड करिए कि क्या आपको ट्रेडिंग को फुल टाइम प्रोफेशन लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना है तो ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग करें, खुद ट्रेडिंग करें। ठीक है, अनलेस आप उसमें फुल टाइम प्रोफेशनल टाइम नहीं डिवोट कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज हैं, अच्छे एनालिस्ट हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करते हैं, आप उन सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद उसके साथ ट्रेड करिए। रेदर आप अपने आप ट्रेड करोगे, आप अपना पैसा मार्केट में गवाओगे, क्योंकि आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो आपके पास वो नॉलेज नहीं है, आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है,
मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो पहले अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो इसके लिए फॉर्मली चैनल में जाइए, एडुकेशन लीजिए, उस पर एक्सपीरियंस लीजिए और उसके बाद पैसा लगाना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, एनर्जी लगाना पड़ता है, तो सब चीज चाहिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग में जाइए। ठीक है, कई लोग मेरे पास फोन करते हैं कि सर मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है, 2 लाख की कैपिटल है, इस पे क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ। देखिए, एक बहुत सही और सच कहानी है ये बात, और कहानी नहीं है, सच है कि 1 लाख 2 लाख की कैपिटल के साथ कोई मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए बड़ी कैपिटल चाहिए, इसके लिए अगर आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके लिए बड़ी कैपिटल चाहिए, सीखने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा कैपिटल चाहिए, ठीक है, बड़े लोग चाहिए, बड़े एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप इतने सक्षम नहीं है या आप अभी अपने नॉर्मल अभी अभी जो आपका काम है, अभी जो आप जिस काम में इन्वॉल्व है, अभी आप जो जिस जिस जगह करियर बना रहे हैं, उस जगह पे अगर आप आपको लगता है कि आप इस टाइप का टाइम नहीं दे पाएंगे मार्केट में, और या आपको लगता है कि इस तरह का टाइम आप नहीं डिवोट कर पाएंगे ट्रेडिंग सीखने के पहले, तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि आप फिर ट्रेडिंग सीखने के झमेले में मत जाइए। आपको सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपको अच्छी कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, और उससे आप मार्केट में इन्वेस्ट करिए और फायदा उठाइए मार्केट का। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये आप सोच लीजिए कि क्या आप फुल टाइम ट्रेडर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अब ट्रेडिंग सीखने में कहां पर लोग मिस्टेक करते हैं, कहां पर लोगों को मिस्टेक हो जाती है ट्रेडिंग सीखने में, या ट्रेडिंग कोच को सिलेक्ट करने में कहां लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सब चीज, एक एक करके चलेंगे, धीरे से चलेंगे और आप समझिएगा हर एक चीज को। सबसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम कोच के पर्सनल रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करते हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कोचेस पर्सनल रिजल्ट्स। ठीक है, हम कोच के पर्सनल रिजल्ट पे फोकस नहीं करते हैं। हमें यह मतलब नहीं होता है कि कोच ट्रेडर है कि नहीं है, वो किस तरह के कॉल्स देता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी स्ट्राइक रेट क्या है, आप उसको कितने साल से जानते हो, आप कितने साल से ट्रैक कर रहे हो उसको। ठीक है, तो सबसे पहले यह देखना होता है कि वो पर्सनली खुद कैसा ट्रेडर है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो कि कोच अच्छा ट्रेडर नहीं है, या तो आपको रिव्यूज मिलती है कि अच्छा ट्रेडर नहीं है, पहले बहुत नुकसान किया हुआ है, पीएमएस बंद हुए हुए हैं और सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं कर सक रहा है, तो और उसका मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है, पैसे का जो बड़ा वॉल्यूम है, सिर्फ कोचिंग से आता है और वो कोचिंग के पीछे ही लगा हुआ रहता है। वो सोचता है कि उसकी कोचिंग सर्विस कैसे बढ़ाया जाए, वो जाके जगह जगह पर जाके फ्री सेमिनार्स करता है और सिर्फ लोगों को झांसा देता है कि आओ और मेरे से सीखो। ठीक है, मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, कोई भी ट्रेडिंग सीख सकता है, कोई बच्चा भी ट्रेडिंग सीख सकता है, कोई भी ट्रेडिंग सीख सकता है। इसका मतलब उसका एक ही सोल मोटिव है कोचिंग, और उसका पैसा कमाई जो हो रहा है वो कोचिंग से हो रहा है, वो ट्रेडिंग नहीं करता। अगर वो ट्रेडिंग करता है तो आप उसके ट्रेडिंग रिव्यूज देखिए, आप जाइए उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, वो क्या ट्रेडिंग सर्विसेज देता है, वो सर्विसेज को पहले थोड़े दिन लीजिए, 3 महीने के लिए लीजिए, 4 महीने के लिए लीजिए, 6 महीने के लिए लीजिए, टेस्ट करिए वो कैसा सर्विसिंग दे रहा है, और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि मैं इसे सीखूं कि नहीं सीखूं। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जो लोग सिर्फ कोचिंग करते हैं उनकी कोचिंग की जो फीस होती है वो बहुत हाई होती है, अबव स्टैंडर्ड होती है, 5 लाख रुपए होते हैं, 7 लाख रुपए होती है, 10 लाख रुपए होती है, क्योंकि भाई उनकी कमाई सिर्फ कोचिंग से आती है। अगर कोई ट्रेडर है तो जनरली वो इतना महंगा फीस नहीं रखता है। ठीक है, 5 लाख 7 लाख 10 लाख, मतलब मैं आपको क्यों चार्ज करूं, ऐसा मेरे पास क्या सिस्टम है जो मैं आपको सिखाऊंगा और आप कल ही ट्रेडर बन जाओगे। 10 लाख चीज की क्या है ऐसा मेरे पास, भाई इंडिकेटर्स वही है और प्राइस एक्शन टूल्स भी वही है, तो ऐसा कोई चीज छुपा के मैंने संदूक या ताबूत में नहीं रखा हुआ है जिसको देने के लिए मैं आपको 10 लाख दूं। मेरे पास कोई अलीबाबा का खजाना थोड़ी ना है जो मैं आपको 10 लाख में बेचूं, तो या 8 लाख में बेचूं या 7 लाख में बेचूं। तो पहली बात याद रखिएगा, अगर वो बंदा जो अगर सिर्फ आपको कोचिंग कर रहा है, उसकी कोचिंग फीस हमेशा बहुत हाई रहेगी, क्योंकि उसकी मेन कमाई कोचिंग से आती है। आप उसकी ट्रेडिंग रिव्यूज देखिए, आप देखिए कोई ट्रेडिंग सर्विस देता है कि नहीं देता है। अगर देता है तो उस सर्विस को सब्सक्राइब करिए और उस सर्विस में देखिए क्या होता है। ठीक है, उसके पास स्टूडेंट को उसके पास स्टूडेंट के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए इनडायरेक्टली और अनऑफिशियली। उन नंबरों पर फोन मत करिए जो वो देता है, उन लोगों से बात मत करिए जो वो बोलता है। ठीक है, आप अलग से जाइए, अलग से बात करिए, अलग स्टूडेंट से बात करिए, रिसर्च करिए कौन उनके स्टूडेंट है। ठीक है, और स्पेशली डिससेटिस्फाइड स्टूडेंट्स के पास जाइए, वो आपको बता पाएंगे क्या फ्लॉज है उसके पास, क्या वो रियल ट्रेडर है कि सिर्फ उसका काम बेवकूफी बनाने वाला है।
ठीक है, तो आप लोग को ये सब देखना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर इस टाइप का बंदा आपको मिलता है जिसका मेन मोटिव सिर्फ कोचिंग करना है, मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से ही पैसा कमाना है, तो आप ये सब अपनाइए टोटके, उसके स्टूडेंट से बात करिए, अनऑफिशियली जाइए, मिलिए, और खोजेंगे तो जरूर मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उसकी वहां पर रिव्यूज होगी, उसके पुराने स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ उसके बारे में पक्का बोल रखा होगा। जब आप मुंबई में हैं आप, या मद्रास में हैं, या आप चेन्नई में, कहीं पर भी हो आप, उस आदमी के बारे में आपको न्यूज तो मिल ही जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी चीज में, आप सोचिए अगर हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, ठीक है, अगर आप अपने कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, अगर अपने 5,000 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपने उसके बारे में कितना सोचते हैं, ठीक है, उसे टटोल के देखते हैं, उसे देख कर देखते हैं। अगर हमें मोबाइल भी खरीदना होता है तो उसके बारे में भी हम कितना रिसर्च करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बैटरी लाइफ देखते हैं, स्क्रीन साइज देखते हैं, डबल डुअल मेमोरी, डुअल सिम है कि नहीं है, एक्सटर्नल मेमोरी लगता है कि नहीं लगता है, सैमसंग अच्छा है कि है? तो फिर अगर कोच जो अगर आपका पूरा लाइफ आपको कुछ ऐसा देने वाला है जो काम आने वाला चीज है, उसके बारे में क्यों रिसर्च नहीं करते। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि वो कोच का ट्रेडर होना बहुत बेसी जरूरी है, ये बात याद रखिए, नहीं तो आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, आप एक गलत आदमी के पास जा रहे हैं। सेल्स पेजेस पे मत जाइए, आप उसकी वेबसाइट पर जाते हैं, आप उसके सेल्स पेजेस देखते हैं, उसमें बहुत सारा मैटर लिखा हुआ रहता है, बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा रहता है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में ये है, हमारे टूल्स में ये है, हम ये सिखाते हैं, हम वो सिखाते हैं। तो देखिए सेल्स पेजेस होता है फिर फॉर ओनली हार्ड सेलिंग, आपको सेल्स पुश कर रहा है, ठीक है, ऐसा सेल्स पेजेस के झांसे में मत पड़िए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए, प्रोग्राम स्ट्रक्चर पे जाइए, देखिए क्या क्या है उस प्रोग्राम में, क्या क्या है, वो फ्लो कैसा है, कैसा सिखाएगा, ठीक है, इस चीज पे जाइए, इस चीज पे ध्यान दीजिए, इमोशनल मत होइए और ओवरफ्लो मत होइए एडवर्टाइजमेंट के क्लेम से, ठीक है। ऐसा कोई भी क्लेम करे आपको, आउटलैंडिश क्लेम करे कि 6 महीना मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा और आप मुझे 10 लाख रुपए पे करो, या 7 लाख रुपए पे करो, या 8 लाख रुपए पे कर दो, और इस 6 महीने के अंदर ही मैं आपको ये सारा पैसा वापस दिलवा दूंगा ट्रेडिंग करा करा के, ये आउटलैंडिश है, ठीक है। अगर 6 महीने में सब आदमी ट्रेडिंग सीख जा सके हैं, 6 महीने में सब आदमी अगर ट्रेडिंग सीख के इतनी कैपेसिटी उनकी हो जाती है कि वो 10 लाख रुपए कमा सके, तो इस दुनिया में कोई भी ट्रेडर स्ट्रगल नहीं करेगा। और ये बंदा जो सिखा रहा है आपको, और ये जो क्लेम कर रहा है कि 6 महीने के अंदर मैं आपको वापस आपके पैसे ट्रेडिंग से दिला दूंगा, तो वो बंदा के पास प्राइवेट जेट होना चाहिए, और वो बंदा इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम या ऐसे कोचेस जो आउटलैंडिश रिजल्ट्स क्लेम करते हैं, उन्हें सबसे पहले हाथ जोड़ के नमन करिए और वहां से निकलिए, इमोशनल मत होइए, ठीक है। तो ये एक और चीज अपने को ध्यान देना बहुत जरूरी है जब हम कोच के बारे में सोचते हैं, ट्रेडिंग कोच या ट्रेडिंग प्रोग्राम खरीदने के पहले ये देखते हैं, ठीक है। कोच की लाइफस्टाइल पे हुक मत होइए, वो कोच क्या पहन रहा है, कौन सी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, उनके पास कैसा फ्लैट है, कैसा बंगला है, ठीक ठीक है, एक बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, हाँ उनकी बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, हमेशा बाहर हॉलीडे बना के आ रहा है, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, ठीक है, या आउट ऑफ कहीं फॉरेन कंट्री में घूम के आ रहा है, तो उसकी लाइफस्टाइल पे मत जाइए, क्योंकि उसने वो लाइफस्टाइल बनाई है आपको कोच, आपको ये सब बेच, आपको प्रोग्राम बेच के, ट्रेडिंग करके नहीं, ठीक है। एक अगर वो ट्रेडिंग करके लाइफस्टाइल बना लेता तो भाई उसको ये प्रोग्राम बेचने की दरकार क्या है, और इतना महंगा बेचने की क्या दरकार है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी टूल अगर मैं उस आपको सिखा दूं और आप उसको यूज करने लग जाओ तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आज तक नहीं हुआ है और आज तक आगे भी कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोच की लाइफस्टाइल पे मत जाइए, कोच बहुत खुश है, कोच बाहर घूम के आ रहा है, कोच फ्लैम्बॉयंट हॉलीडे बना रहा है,
कोच के पास बड़ी गाड़ी है, ठीक है, और वो अगर ये क्लेम करता है कि वो सब इस ट्रेडिंग से बनाया है तो वो झूठ बोल रहा है, ये सब वो सेलिंग से बनाया है। ही हैज गॉट गुड सेलिंग स्किल, उसकी सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, ट्रेडिंग स्किल जीरो है। इसीलिए मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि कोच की ट्रेडिंग स्किल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसकी लाइफस्टाइल पे मत जाइए, उसकी सक्सेस स्टोरी पे मत जाइए। वो 10 साल से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, वो 15 साल से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, वो 16 साल से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, तो उसकी लाइफ स्टाइल पे मत जाइए आप, उसकी लाइफ स्टोरी पे मत जाइए, सब झूठ बोल रहा है। अगर कोई भी बंदा 16, 17 या 10 साल की उम्र से ट्रेडिंग कर रहा है तो अभी तक वो मार्केट की टिक बाई टिक जानने लग जाना चाहिए, ठीक है। तो हर एक चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, शो ऑफ होता है, सिर्फ शो ऑफ। तो शो ऑफ पे मत जाइए, अपना फोकस रखिए सिर्फ ट्रेडिंग पे कि भाई मेरे को तो ट्रेडिंग ही सीखनी है, मेरे को आप मेरे को लीडरशिप की लेसन मत दो, आप मेरे को मेरी लाइफस्टाइल सुधारने के लेसन मत दो, ठीक है। आप मेरे को मत बताओ कि सुबह उठ के मेरे को 20 मिनट जॉगिंग करनी है, या मेरे को क्या क्या खाना खाना है, या मेरे को कैसा एटीट्यूड चाहिए, या मेरे को वेट लॉस करना। भाई इससे मेरे को मतलब नहीं है, मैंने तेरे को पैसे उसके लिए नहीं दिए हैं, मैंने आपको पैसे दिए हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए। आप मेरे को ट्रेडिंग सिखाओ और मेरे पास, मैं जब उसमें सक्सेसफुल होने लग जाऊंगा तो मैं अपने आप दूसरे चीज को इख्तियार करूंगा। भाई अभी मैं स्ट्रगलिंग ट्रेडर हूं और अभी मेरा फोकस है ट्रेडिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन। अरे कई ट्रेडर्स जो होते हैं, कई कोचेस को मैंने देखा है कि मोटिवेशन पे बेसिक ध्यान देते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको लीडरशिप सिखाते हैं। अरे जब मेरे लाइफ में कोई एम ही नहीं है, जब मेरे लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, तो उसके पीछे मेरे को मोटिवेट करके क्या फायदा। आपको बोलेंगे अपना गोल शीट बनाओ और उसमें बनाओ कि आप 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को, आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, आप 5 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, 10 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, और ये झांसा आपको दिखाता है, ये एक बड़ी दुनिया में आपको लेके जाता है जहां पर आपको बताता है कि आप ट्रेडिंग से 20 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए साल के कमा सकते हैं, आपको ये झांसा देता है और फिर आपको उसी के पीछे पुश करता है। अरे ये गोल शीट तो मैं बना लूंगा, ये लीडरशिप मैं तेरी अच्छी है, मेरे को मालूम है कि तू अच्छा लीडर है, तू अच्छा सेल्समैन है, तू अच्छा गोल सेटर है, तू अच्छा मोटिवेशन दे रहा है, लेकिन भाई मेरे को सिखा तो सही कि मैं वहां पहुंचू कैसे। आज मेरा ट्रेडिंग गोल है कि मैं 1 करोड़ रुपए साल का कमाऊं ट्रेडिंग करके, आप मेरे को मोटिवेट कर रहे हो कि देख सुबह जा वो गोल को देख, वो विजन बोर्ड को देख, रोज अपना टू डू लिस्ट बना, वहां तक पहुंचने के लिए तू क्या क्या कर रहा है तो देख। अरे भाई वो तो कर लूंगा, पहले ट्रेडिंग तो सीखा, ट्रेडिंग सिखाएगा तभी तो मैं करूंगा, मेरे को बता कि मैं ट्रेडिंग कैसे करूं, ये आरएसआई पे कैसे काम करूं, ये कैंडलस्टिक पे कैसे काम करूं, ये सब तो मेरे को पता है। अगर मेरे को ये ट्रेडिंग करना आ गया तो मैं ये अपने आप अपना गोल शीट अपने आप बन जाता है, अपना टारगेट हमेशा अपने आप बन जाता है, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग, उसके बाद ना अपने टारगेट सेट करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग में काम नहीं होता है कि पहले 10 करोड़ का टारगेट बना लो, फिर हर एक महीना 1 करोड़ रुपए कमाना है, फिर हर एक हफ्ते फलान रुपए कमाना है। अरे तो नीचे से बनाइए, पहले मेरे को ट्रेडिंग सिखाइए, पहले मैं ट्रेडिंग कर पाऊं, फिर मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा पाऊं, फिर मैं महीने का 10 लाख रुपए कमा पाऊं, फिर मैं साल का 1 करोड़ रुपए कमा पाऊं, ऐसे कह जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होता है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। मोटिवेशन मैं सीखने नहीं आया सर, मैं ट्रेडिंग सीखने आया हूँ, तो आप मेरे को ट्रेडिंग सिखाओ, ट्रेडिंग सिस्टम सिखाओ, आपका प्रोग्राम हमको बताओ, बैक टेस्ट रिजल्ट देखिए, अगर आपको कोई प्रोग्राम सिखा रहा है तो बैक टेस्ट रिजल्ट देखिए, बैक टेस्ट रिजल्ट जो होते हैं उसे आधा कर दीजिए, उसकी ड्रॉडाउन वैल्यू देखिए, उसकी इक्विटी कर्व देखिए, उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखिए, ठीक है, ये देखिए कि क्या एक ही प्रॉफिट जो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितने ट्रेड से आ रहा है। अगर 100 ट्रेड हम ले रहे हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 5 ट्रेड से आ रहा है तो वो सिस्टम ठीक नहीं है। कम से कम 40 से 50 ट्रेड्स हो जो मैक्सिमम प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करे, तो इस तरह से हमें चेक करना पड़ता है, इक्विटी कर्व देखना पड़ता है, अंडर वाटर कर्व देखना पड़ता है। तो ट्रेडिंग या ट्रेडिंग सिस्टम सिलेक्ट करने के पहले या ट्रेडिंग कोच सिलेक्ट करने के पहले ये सब चीज पे बहुत ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका कमाया हुआ पैसा तो जाएगा ही और आप ट्रेडिंग भी नहीं सीख पाओगे, आप डिमोरलाइज हो जाओगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे इस टाइप के आदमी के झांसा में फंसने से। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप इन बातों पे बहुत ध्यान दें।
आप अपना पर्सनालिटी स्टाइल देखिए कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर पाते हैं। क्या आप डे ट्रेडर हो, क्या आप एंड ऑफ द डे ट्रेडर हो, क्या आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप ये सब देखिए। और उसके बाद उसी तरह के आदमी के पास जाइए जो उस चीज में स्पेशलिस्ट है। तो अगर मैं डे ट्रेडर हूं तो मैं पोजिशनल ट्रेडर के पास जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई उसकी महारत तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग में है। डे ट्रेडिंग में बेसी विजिलेंस चाहिए, बेसी स्पीड चाहिए। तो मैं ऐसे ट्रेडर के पास जाऊंगा जो डे ट्रेडर है, कि आप मेरे को डे ट्रेडर सिखाओ। अगर मेरे को एलियट वेव सीखने की इच्छा है तो मैं एलियट वेव सिखाने वाला के पास जाऊंगा, ना कि मैं जाऊंगा जो मुझे आरएसआई सिखाए। क्योंकि मैं एलियट वेव सीखना चाहता हूं तो मैं एलियट वेव वाले के पास जाऊंगा, मुझे आरएसआई सीखना तो मैं आरएसआई के पास आऊंगा। मुझे ट्रेडिंग सिस्टम सीखना है कि मुझे इंडिकेटर से कोई मतलब नहीं, मुझे सिस्टम सीखना है, मुझे एल्गो सीखना है, तो मैं उसके पास जाऊंगा। तो आप सबसे पहले ऐसे कोच को ढूंढिए जिसकी ट्रेडिंग स्टाइल आपके ट्रेडिंग स्टाइल से मैच होनी बहुत जरूरी है। और कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत आरएसआई आती है, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है, तो वैसे आदमी के पास जाइए जो उसको और पॉलिश कर दे। मैंने आरएसआई कुछ इंडिया में सीखे लोगों से, और मेरे को लगा कि यहां पर इंडिया में ऐसा कोई कोच ही नहीं है जो आरएसआई मुझे और अच्छी तरह से सिखा पाए। फिर मैंने एंड्रू सर को कांटेक्ट किया। एंड्रू सर ने मेरे स्किल्स पॉलिश किए। मैंने और 3-4 साल आरएसआई में मेहनत की, और भी अपने आप को पॉलिश करके अलग अलग तरह के ट्रेड्स, अलग अलग तरह के सेटअप्स मैंने निकाले। फिर मैंने उनको एंड्रू सर के साथ डिस्कस किया, हम लोगों ने उस पर और काम किया। उसके बाद हम लोगों ने इसे एक सिस्टम में डाला, एक स्ट्रैटेजी में डाला। तो भाई आरएसआई ऐसा टूल था जो मेरे को पसंद था, मैं चाहता था उस पर काम करना, तो मैंने उस पर मेहनत की। वैसे ही कैंडलस्टिक्स मेरा पसंदीदा टूल था, लेकिन यहां पर इंडिया में मैंने सीखा लोगों से, मैंने देखा कि यहां पर एक एक जगह पर जाके नॉलेज कॉन्स्टेंट हो जा रही है, बैकेट में आ जा रही है, कोई और बंदा मुझे कुछ दिखाई नहीं पा रहा है, तो मैंने बाहर जाके कैंडलस्टिक सीखा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको अगर कोई बोले कि भाई तू एलियट वेव 5 साल तूने एलियट वेव सीखा है, एक काम कर, तू एलियट वेव पूरा भूल जा और मैं तेरे को वापस से आरएसआई सिखाता हूं, या तू एक काम कर, तूने स्टोकेस्टिक सीखा है, तूने मैग्डी सीखा है, 5 साल तूने उस पर काम किया है, तू एक काम कर पूरा भूल जा, मैं तेरे को वापस नए तरीके से ये फलान परसेंटेज आर सिखाता हूं। तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म मत करिए। आपने 3-4 साल 5 साल किसी टूल के पीछे मेहनत किया है तो उसकी इंट्रिकेसीज आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। आपको थोड़ी बहुत पॉलिशिंग की दरकार है, बस उससे आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जाने का। और एक बात याद रखिए, ना कोई आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ना कोई आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये सब आपके हाथ में है। तो अगर आप सोचते हो कि एक महंगे कोच के पास जाने से, जो बड़े बड़े होटलों में मस्त मस्त सेल्फी खींच के, या बड़ी बड़े क्लासेस में बहुत बड़ी बड़ी सेल्फी खींच के आपको ट्रेडिंग सिखा देगा, तो ये आपकी भूल है। 3 दिन 4 दिन के कोर्स में, वीकेंड कोर्स में आपको कोई सिखाता है, आप विश्वास करिए, मैंने 500 वीकेंड कोर्स किए हुए हैं इंडिया में, 500 वीकेंड कोर्स। वहां पर ट्रेडिंग की बात कम, वहां पर लोगों को डांस कराते हैं, वहां पर लोगों की अंगड़ाइया निकलाते हैं, वहां पर उनको मोटिवेशन पे ज्ञान दिया जाता है, अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाई जाती है। 3 दिन 4 दिन तक लाख लाख रुपए लेके सिर्फ टाइम वेस्ट किया जाता है लोगों का। तो ऐसे झांसे में ना फंसे। और सिंपल में नॉट बी इफेक्टिव। बहुत कोच होते हैं जो ट्रेडिंग की सिंप्लिसिटी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको एक सिंपल सा चार्ट दिखाया और बोले ये देखो ये देखो ये देखो और ये ऊपर चला गया, या ये देखो ये ट्रेड मैंने लिया ये नीचे आ गया। इतना सिंपल नहीं होता है सर। अगर इतना सिंपल होता है तो हर एक तीसरा आदमी आज धंधे में नहीं होके सिर्फ ट्रेडिंग का काम करता, सिर्फ ट्रेडिंग का ही धंधा करता, और कोई धंधे की दरकार नहीं है अपने को।
तो इतना सिंपल नहीं होता है, और हर एक सिंपल चीज इफेक्टिव हो यह भी जरूरी नहीं है। तो कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, दिस इज जस्ट अ मिथ। सिंप्लिसिटी से बड़ा पैसा बनाना यूज करके तो मुश्किल है, हाँ सिंप्लिसिटी दिखा के उस चीज को बेचने में तो बड़ा पैसा मिल जाता है। मैं आपको दिखाया कि ये देखो, ये एक तो सपोर्ट पे मस्त हैमर बना, इसके ऊपर अपने ने खरीदा और ये 300 रुपए ऊपर चला गया, कितना सिंपल है। बस आपको यही सीखने की दरकार है, व्हाट एल्स डू यू वांट। लेकिन इतना सिंपल नहीं है सर, मुश्किल है। एंड डू नॉट लुक फॉर सुपरमार्केट ट्रेडिंग गुरुज। एक ऐसा कोच है जिसे मैं जानता हूं, जिसकी वेबसाइट मैं कई बार विजिट करता हूं, ऐसे कोच हैं जो आपको एलियट वेव भी सिखाता है, जो आपको गैन लाइन भी सिखाता है, जो आपको इंडिकेटर में स्टोकेस्टिक्स, मैकडी, परसेंटेज आर, सीसीआई, आरएसआई, एडीएक्स, एडी, एटीआर, और मतलब कि नेम अ टूल, एंड्रू स्पीच फॉक और वॉट एवर, सब चीज सिखाता है, सब चीज ए टू जेड। मतलब दुकान खोल रखा है, सुपरमार्केट। सर आइए, आपको क्या सीखना है? अच्छा, आपको एंड्रू पिचपॉक सीखना, आइए मैं आपको एंड्रू पिचपॉक सिखाता हूं। आपको क्या सीखना है? अच्छा, आपको बोलिंजर बैंड सीखना है, मैं आपको बोलिंजर बैंड सिखाता हूं। दुकान खोल रखी है कोर्स बेचने की। ये सब सेलर्स है, ये सब सेलिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्रेडिंग, देयर सोल मोटिव इज सेलिंग। अवॉइड this type of guys. Trading specialization का खेल है, एक या दो टूल में आपको स्पेशलाइज होना पड़ता है। 50-60 टूल खोल के या सीख के आपको क्या मिलेगा? एक ट्रेडर आपको ऑप्शन भी सिखा रहा है, एक ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग कोच है, वो आपको ऑप्शन भी सिखा रहा है, वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखा रहा है, वो आपको सिस्टम ट्रेडिंग भी सिखा रहा है, वो आपको डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग भी सिखा रहा है। भाई इतना ज्ञान का भंडार, मल्टी फेसेट, मतलब ऐसा गुरु है जो ब्रह्मा जी जैसा है। ब्रह्मा जी के चार मुंह होते हैं ना, तो चार दिमाग है उसके पास। तो एक दिमाग, ये भाई इधर वाला दिमाग डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, लेफ्ट साइड वाला दिमाग सिस्टम ट्रेडिंग, भाई पीछे वाला दिमाग वॉल्यूम एनालिसिस, एलियट वेव, पेलियट वेव, आगे वाला दिमाग ऑप्शन। अरे भाई तू है क्या? ऑप्शन एक पूरा डिफरेंट गेम है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग एक पूरा डिफरेंट गेम है, सिस्टम ट्रेडिंग एक पूरा डिफरेंट गेम है, एल्गो ट्रेडिंग एक पूरा डिफरेंट गेम है। और एक ही आदमी एक ही लाइफ टाइम में इतना ज्ञानी हो जाए, ये ट्रेडिंग टूल का वॉलमार्ट है, बिग बाजार। सब कुछ लो, कार्ट पे सब कुछ बिकता है, जस्ट ऐड टू कार्ट करो, पेमेंट करो, ऐड टू कार्ट करो, पेमेंट करो। भाई उसकी ट्रेडिंग स्किल्स तो थोड़ा सा देखो कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ट्रेडिंग कैसा करता है, जरूरी है ये चीज, हमें देखना बहुत जरूरी है। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा लगाइए, थोड़ी सी एनालिटिक्स फॉलो करिए, और कोई भी झांसे में फंसने के पहले थोड़ा सा उसके उस ट्रेडर के बारे में, उस कोच के बारे में थोड़ा सा रिसर्च जरूर करें, उनकी बताए हुए स्टूडेंट से ना बात करें, किसी भी हालत में बात ना करें उनके बताए हुए स्टूडेंट से, अलग रिसर्च करें, बाहर बात करें, और स्टूडेंट ढूंढे, और उसके बाद फिर डिसाइड करें। क्योंकि मैं आपको जो स्टूडेंट बताऊंगा या मैं आपको जो टेस्टिमोनियल्स दूंगा, वो वही बंदे होंगे जिनके गुड बुक्स में मैं हूं। मैं आपको कभी भी ऐसे बंदों के नाम नहीं बताऊंगा जिन्होंने मुझे गाली दी है या जिन्होंने मुझे बोला है कि मैं नहीं सिखा सकता। तो आप मेरी बातों पर मत जाइए, आप डायरेक्ट उन लोगों से बात करिए, आप खोजिए, ढूंढिए,
मिलेंगे इंटरनेट पे, बहुत मिलेंगे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन में, बहुत जगह मिलेंगे। और दुनिया इतनी बड़ी नहीं है, दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड, हजारों जन मिल जाएंगे आपको, अनऑफिशियली बात करिए, मिलिए, क्योंकि आपका पैसा बहुत मेहनत की कमाई है, उसे ये सब झांसे में मत जाने दीजिए। सो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाना चाहे तो हमारी वेबसाइट का नाम है वेबमेट्रिक, www.webmetric.com। आप हमें डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, getus@webmetric.com। लिंक्डइन में चाहे तो हमें खोज सकते हैं, भरत झुंझुनवाला, CFT, CMT और MFTA। मेरी ट्विटर आईडी हैंडल है @भरतJ82, वहां पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं फेसबुक में हूँ और यह यूट्यूब में, यह हमारा चैनल है, आप इस पर सब्सक्राइब करें। इसमें हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं ट्रेडिंग के टूल्स और ट्रेडिंग के मेथड्स, तो आप सब्सक्राइब करें और रेगुलरली फ्री ट्रेडिंग के ट्रेडिंग सीखे यहाँ पर, टूल्स वूल्स से जो चीज है। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लेट्स गेट इन टच। तब तक ट्रेड वेल एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।